फायर हो गया, ये अब लाइट जलेगा। उसके बाद फिर हम देखिए यहाँ पे आरआई में भी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि जो डिटेक्टर होता है उसमें कनेक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारे नए टेक्नीशियंस होते हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि डिटेक्टर में एड्रेस कैसे करते हैं, डिटेक्टर में कनेक्शन कैसे करते हैं, आरआई को कैसे लगाते हैं। आरआई के बारे में भी इसमें बताऊंगा मैं। तो इस सारा कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो से आपको पूरा अच्छा से जानकारी मालूम हो जाएगा और आप आराम से कर सकेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो नेगेटिव या जो पॉजिटिव है प्लस करके दिया हुआ है, तो दोनों जो रेड केबल और रेड वायर जो होता है, दोनों इन आउट का रेड वायर इसमें हम कनेक्ट कर देंगे, और जो दो इन आउट का ब्लैक वाला वायर जो होता है उसको इसमें यहाँ इस पे नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे, और आरआई वाला वायर भी इसमें कनेक्ट कर देंगे। यानी ये जो आरए लिखा हुआ है ये अलग से एक टर्मिनेशन दिया हुआ है, तो उसमें हम आरआई का वायर लगाएंगे। तो मैं आपको आरआई का वायर को आगे बताऊंगा मैं, तो उसको आप उसको देखिए वीडियो को पूरा अंत तक, आपको इसमें नई जानकारी मालूम पड़ेगी। चलिए दोस्तों अब इसको कनेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये कनेक्शन होता है। तो ये जो लूप का दो जो रेड वायर है इसको पॉजिटिव में टर्मिनेशन कर देंगे इसी तरह। ब्लैक वाला जो दोनों लूप का वायर है, जो इन आउट का वायर जो आता है, एसएलसी वायर, एसएलसी कहते हैं इसको, वो हम नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। दोनों वायर, दोनों दोनों ब्लैक वाला वायर कनेक्ट कर देंगे। ये डिटेक्टर का बेस में ये कनेक्ट हो रहा है, ये बेस होता है डिटेक्टर का। इस तरह से ये मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। देखिए आपको नेगेटिव दिखाई पड़ रहा होगा और ये पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा होगा। नेगेटिव में ब्लैक वायर और पॉजिटिव में रेड वायर कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो आर आई जो जो तीसरा वाला पोर्ट है, ये वाला पोर्ट, तीसरा वाला पोर्ट में अब कनेक्ट करेंगे आर आई का वायर। तो जो आर ए लिखा हुआ होगा उसमें देखिए आपको दिखाई पड़ेगा आर ए लिखा है, तो इसी में हम जो रेड वाला वायर है आर आई का, आर आई मतलब रिस्पॉन्स इंडिकेटर, यानी जो फॉल्स जो डिटेक्टर अंदर रहता है किसी भी जिप्सम बोर्ड वगैरह के अंदर, कहीं अगर वायरिंग होकर हो रखा रहता है तो उसमें वो फायर वायर होगा जो डिटेक्टर, तो वो नीचे जो जिप्सम बोर्ड के बिलो में, वो जिप्सम बोर्ड के नीचे वो उसका फायर एक्टिवेशन जो भी होगा वो कंडीशन बताएगा अंदर का, तो वो आर आई को इसलिए लगाया जाता है। तो ये जो आर आई इसमें जो ये टर्मिनेशन दिया हुआ है, जो खाली सा खाली जो टर्मिनेशन है उसमें हम पॉजिटिव वाला वायर यानी रेड वायर लगा देंगे इसमें, और ब्लैक वाला वायर आर आई का ब्लैक वाला वायर इसमें जो नेगेटिव वाला ये है, जो दो केबल वायर दिख रहा है नेगेटिव ब्लैक, उसमें लगा देंगे। चलिए मैं उसको भी दिखा रहा हूँ आपको। और उसको पूरा पूरा टाइट करेंगे, अगर उसको थोड़ा अगर लूज छोड़ देंगे तो वो क्या होगा कि ट्रबल्स दिखाते रहेगा पैनल में, तो इसलिए कभी वो पकड़ेगा कभी वो लूज कर देगा, तो जिसके वजह से वो ट्रबल्स दिखाएगा। इस तरह से ये तीन वायर ब्लैक नेगेटिव वाला पोर्ट में हम आर आई का लगा देंगे, और एक जो बताया था पॉजिटिव वाला वायर आर ए में लगा देंगे। आर ए वाला टर्मिनेशन में ये नोटिफायर का डिटेक्टर है, और ये बेस में इसका कनेक्शन हो गया। इस तरह से टाइट कर देंगे बढ़िया से। अब हम रिस्पॉन्स इंडिकेटर को भी टर्मिनेशन कर देते हैं। रिस्पॉन्स इंडिकेटर जो आर आई दिया हुआ है उसको भी टर्मिनेशन कर देंगे। दोस्तों ये आर आई है, रिस्पॉन्स इंडिकेटर, फायर रिस्पॉन्स इंडिकेटर। इसमें ये दो ये एलईडी लाइट जलता है, यही जब फायर आता है जिप्सम के अंदर जो डिटेक्टर होता है उसमें फायर आता है, तो ये जिप्सम के बाहर जो हम जिससे देख पाए हम लाइट यहाँ यहीं पे जलता है। मैं आपको डेमो करके भी बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे ये जलता है, कहाँ ये फिक्स होता है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसका मैं टर्मिनेशन एडजस्ट, छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी, इस पर हम लोग कनेक्शन करते हैं, इसी पे कनेक्शन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब कनेक्शन के लिए।
दोस्तों कुछ इस तरह से हम रेड वाला रेड के साथ और ब्लैक वाला ब्लैक के साथ इसको टर्मिनेशन कर देंगे। अब इसको इस तरह से हम लॉक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे ऐसे इसको टाइट से और इसको घुमा देंगे तो ये लॉक हो गया। ये देखिए रेड आ गया, ये अब कुछ सेकंड लगता है इसको नॉर्मल आने में, नॉर्मल बिलिंग करता है, कंटिन्यू ग्लो नहीं करता है ये। अब ये नॉर्मल हो गया, इस तरह से नॉर्मल वर्किंग पे आ गया। अब इसको डेमो करके आरआई का भी और डिटेक्टर का भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों अब डेमो करने जा रहा हूँ, डेमो करने जा रहा हूँ अब। ये इसमें तो बत्ती से करें, देखिए इसका डिटेक्टर को एक्टिव कर रहा हूँ, फायर मिला रहा हूँ डिटेक्टर को। उसके बाद डिटेक्टर फायर होगा, उसके बाद फिर आरआई में भी जाना है। इसके अंदर स्मोक घुसेगा उसके चैम्बर में। फायर हो गया, ये इसके चैम्बर में फायर जाना है। डिटेक्टर फायर में आ गया, ये दोनों एलईडी फायर होने के बाद रेड जलेगा। उसके बाद फिर हम देखिए यहाँ पे आरआई में भी फायर आ गया इस तरह से। तो ये इस तरह से इसका डेमो था। और पैनल में भी देखिए, पैनल में भी फायर आ गया है। ये लूप सर्वर डिटेक्टर वन फायर अलार्म आया हुआ है। अब इसको यहाँ से रिसेट कर देंगे। रिसेट हो जाएगा, बट अगर नहीं होगा तो फिर उसको डिटेक्टर को खोल करके उसको क्लीन करेंगे, क्लीन करना होगा।